जिला हमीरपुर के बरसर के अंतर्गत आने वाले दमियाना गांव के लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगाया है कि जिस सड़क का निर्माण हरिजन बस्ती करेर दमियाना के लिए करना था, परंतु विभाग ने उस सड़क का निर्माण सालन गांव के लिए कर दिया है। सरकार से पैसा हरिजन बस्ती सड़क निर्माण के लिए मंजूर हुआ था, लेकिन दमियाना गांव के निवासी सतीश कुमार, अमरजीत सिंह व महिला मंडल प्रधान सुरक्षा देवी व अन्य लोगों ने कहा है कि सरकार ने ऐसे कंपोनेंट हेड से सड़क निर्माण के लिए पैसा मंजूर किया था, मगर विभाग ने उस पैसे का प्रयोग दूसरे गांव के लोगों के फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया है। लोगों का कहना है कि सालन गांव के लिए सड़क का निर्माण हुआ है, वहां पर हरिजन या एससी का एक भी घर नहीं है। ग्रामीणों का कहना है बरसात होने के कारण गांव को जाने वाला रास्ता भी खराब हो चुका है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने में पालकी का सहारा लेकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, परंतु बरसात के कारण गांव का यह रास्ता भी खराब हो चुका है, जिस पर अब चलना मुश्किल हो गया है। पालकी उठाना तो दूर की बात है। ग्रामीण सतीश कुमार का कहना है कि विभाग इसकी छानबीन करे, नहीं तो आरटीआई डालकर विभाग से इस सड़क के बारे में जानकारी ली जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि वे इसकी शिकायत जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी करेंगे। ग्रामीण रमेश चंद, निर्मला देवी, अंजना कुमारी, सतीश कुमार, प्रेमी देवी आदि लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द गांव के लिए सड़क का निर्माण करवाया जाए। उधर इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के जेई इंद्र भानु का कहना है कि करेर दमियाना सड़क के लिए पैसा मंजूर हो चुका है, सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, जल्द ही सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये कि आपके गांव के लिए सड़क नहीं है तो आपको क्या सुविधा क्या होती है, बताएं इसके बारे में। जी, हमने अब समूह बनाया है महिला मंडल का, तो हमारी यही कोशिश है कि सरकार हमारी हेल्प करे, लेकिन सुनती है सरकार लेकिन करती कुछ नहीं है। तो अब जैसे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है, किसी ने सामान लाना है, तो चार चार बंदे एक सामान के लिए जा रहे हैं, तो हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार से अनुरोध है कि हमारा जो काम है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि हमारा गांव की हालत जो है, वो कंडीशन जो है, बहुत बदतर है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी पंचायत से भी अनुरोध है कि हमारा जो काम है उसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाए।